जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर YouTube चैनल लक्ष्य इंडियन आर्मी। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे एनसीसी के एक रैंक के बारे में जो है सीएचएम। दोस्तों काफी कैडेट के मन में एक सवाल होता है कि एनसीसी में सीएचएम का रैंक होता है या सीएसएम, एंड साथ ही जानेंगे दोनों में डिफरेंसेस क्या है आज के इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले जान लेते हैं आखिर एनसीसी में होता कौन सा रैंक है, सीएसएम या सीएचएम। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं एनसीसी में सीएसएम का रैंक होता है कंपनी सार्जेंट मेजर, एंड जो सीएचएम कंपनी हवलदार मेजर का रैंक होता है वो फौज में यानी इंडियन आर्मी में होता है। अगर आप इंडियन आर्मी में रैंक्स को देखोगे तो सबसे पहले लांस नायक, फिर नायक, फिर हवलदार, फिर कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार या उन सबका सीनियर होता है कंपनी हवलदार मेजर, जिनका काम होता है कंपनी का हर एक काम देखना, सुबह की पीटी हो या शाम की रोल कॉल परेड हो, सारा एक डिटेल काम उनका देखना होता है। साथ ही उन सबका डिटेल रिपोर्ट तैयार करके सूबेदार मेजर को सबमिट करना होता है। एंड साथ ही वहीं पे अगर आप देखोगे एनसीसी में सीएसएम यानी कंपनी सार्जेंट मेजर होता है वो ऐसे, क्योंकि एनसीसी में जो रैंक्स होते हैं वो सबसे पहले लांस कॉर्पोरल होता है, फिर कॉर्पोरल, फिर सार्जेंट, फिर कंपनी क्वार्टर मास्टर सार्जेंट, जो कि हर यूनिट में नहीं दिया जाता है, कुछ ही यूनिट में दिया जाता है। एंड जिस यूनिट में कंपनी क्वार्टर मास्टर सार्जेंट का रैंक नहीं दिया जाता है उस यूनिट में कंपनी सार्जेंट मेजर यानी सीएसएम का रैंक दिया जाता है। दोस्तों आप सभी को एक बात बता दूं, इंडियन आर्मी में हवलदार का रैंक होता है इसलिए वहां पे कंपनी हवलदार मेजर का रैंक होता है, वही एनसीसी में सार्जेंट का रैंक होता है इसलिए एनसीसी में कंपनी सार्जेंट मेजर का रैंक दिया जाता है। एंड दोस्तों आप सभी को एक बात बता दूं, सार्जेंट का रैंक भले ही आर्मी के हवलदार रैंक जैसा दिखता हो लेकिन उसे हम एनसीसी में सार्जेंट कहते हैं, इसलिए यहाँ पे कंपनी सार्जेंट मेजर का रैंक होता है। आई होप आप ये बात समझ गए होंगे। दोस्तों छोटा सा लॉजिक का बात है, हर एक कैडेट को यह बात समझनी चाहिए, यह लॉजिक पता होना चाहिए। दोस्तों मैंने से काफी कैडेट देखे हैं मेरे एनसीसी के टाइम से ही जो अपने आप को सीएचएम बताते थे, कंपनी हवलदार मेजर बताते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। आप सभी को पता चल गया होगा वीडियो देखी कि एनसीसी में कंपनी सार्जेंट मेजर का रैंक होता है ना कि कंपनी हवलदार मेजर का रैंक होता है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप एक एक्स एनसीसी सीनियर हो या एक एनसीसी सीनियर हो अभी, तो अपने जूनियर्स को हमेशा जो सही है वही बताए, उनको बताए कि सीएचएम और सीएसएम में डिफरेंसेस क्या है। एंड प्लीज अपने आप को सीएचएम बताना बंद करें, एनसीसी में सीएसएम होता है। एंड जितना हो सके उतना अपने जूनियर को सही नॉलेज दे एंड सभी को बताए डिफरेंसेस क्या है। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके बताएं, वीडियो अगर अच्छा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें लक्ष्य इंडियन आर्मी चैनल को ऐसे ही इंफॉर्मेशन वीडियो आके देखने के लिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।